जैसा कि जनरली होता है हम लोगों के कंप्यूटर में, जैसे कि कीपैड खराब हो जाना या फिर ये माउस का बटन जो है ये खराब हो जाना, कीबोर्ड में ये बटन कोई भी काम नहीं करना, या फिर और कुछ प्रॉब्लम आते ही रहता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। ठीक है, तो इसका मैं आज आप लोगों को एक सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीका से आप लोग अपने मोबाइल फोन से ही अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और आप लोग गूगल क्रोम ओपन करेंगे। जैसा कि मैं ओपन कर लिया हूँ गूगल क्रोम, यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है। रिमोट माउस करके सर्च करना है। ठीक है, रिमोट माउस करके सर्च करेंगे, उसके बाद देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला वेबसाइट आ जाएगा, रिमोट माउस करके इसको आप लोग ओपन करेंगे। ठीक है, क्लिक करके ओपन करने के बाद देख सकते हैं आप लोगों के सामने ये वाला जो है इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद ये गेट नाउ पर क्लिक करना है। गेट नाउ पर क्लिक करेंगे तो इसमें दो स्टेप रहता है ना। पहला स्टेप में आप लोगों को अपने मोबाइल फोन में ये वाला जो एप्लीकेशन है उसको आप लोगों को इंस्टॉल करना रहता है, रिमोट जो है माउस करके एप्लीकेशन है उसको। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा अपने मोबाइल फोन में किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है, किस तरीके से एक्सेस करना है। ठीक, तो पहले फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में आप लोग ये कंप्यूटर के लिए जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, इसी का सॉफ्टवेयर है ना। तो इसमें चार ऑप्शन दिया है, मैक का दिया है, मैक DMG करके दिया है ना, विंडोज के लिए दिया है और लिनक्स के लिए दिया है ना। तो हम लोग विंडो के लिए करेंगे। ठीक, विंडो के लिए क्लिक करेंगे, यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। 2 MB का कुछ साइज का जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और तीसरा स्टेप आप लोगों का ये रहेगा कि आप लोग अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप में जो है वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वाईफाई से कनेक्ट करने वाला किस तरीके से कनेक्ट करते हैं ये सब प्रोसेस मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था है ना। तो वाईफाई से कैसे कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर को ये बताया था, और लैपटॉप में तो ऑटोमेटिकली जो है रहता ही है वाईफाई का ऑप्शन है ना। तो अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जाकर भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से मैं डायरेक्टली कर दिया हूँ, यहाँ से यस करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, मैं इंग्लिश में ही करता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, यहाँ से पहले मैं ये सब हटा देता हूँ, उसके बाद देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, ये सब ऐसा रहता है उसी टाइप का शॉर्टकट अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप में आ जाएगा है ना। तो उसको टिक करेंगे, अनटिक करेंगे, अपने हिसाब से देख लेंगे। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली बहुत ही जल्दी ही और बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद आप लोग यहां से ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, यहां से आप लोग ओपन करेंगे यहां से तो ये काम करेगा या फिर मतलब दिखेगा इसका जो सॉफ्टवेयर है, बाकी वो तो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड रहता है ना। यहां से ये देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ से फिर देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ गया हूँ और मेरे लैपटॉप में भी दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं प्ले स्टोर में। ठीक है, प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ से सर्च करेंगे,
रिमोट माउस करके सर्च करेंगे तो देख सकते हैं फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है एप्लीकेशन 40 MB का है ना, तो इसको डाउनलोड होने देते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एक तो वाईफाई से कनेक्ट होता है ना, और दूसरा जो है डाटा केबल आपका जो मोबाइल में यूज़ होता है चार्ज लगाने के लिए, उससे भी हो जाएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो है ब्लूटूथ हार्ट, मतलब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सेटिंग, है ना। यहाँ पर जाना है आप लोगों को, और मोबाइल जो जो भी हॉट स्पॉट रहता है ना, ये देख सकते हैं यहाँ से। इसको ब्लूटूथ टीथरिंग को आप लोगों को ऑन करना है ना। उसके बाद यहाँ से USB टीथरिंग का जब आप लोग मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा, उससे भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है। इसको मैं सिंपली ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसको ऐसे स्लाइड करेंगे, गॉट इट करेंगे, ठीक है। अब यू वाइल यूज द ऐप करके कर देना है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं डेस्कटॉप करके आ रहा है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो नेम है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आ रहा है ना। उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये इंस्ट्रक्शन देगा कि कैसे यूज़ करना है, क्या है ये सब, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल से ही यूज़ कर रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। यहाँ से मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, देख सकते हैं ये जो है राइट क्लिक हो जा रहा है ना। और ऐसे करके ऐसे करूँगा, फिर उसके बाद यहाँ से ये लेफ़्ट क्लिक हो जा रहा है, ये सेंटर हो जा रहा है ना स्क्रॉल करने के लिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जाएंगे है ना, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर की पैड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। क्लिक करेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद जैसे कि सर्च करते हैं नोटपैड, देख सकते हैं नोटपैड आ गया। इसको ऐसे करके क्लिक करेंगे, क्लिक करके मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अपने मोबाइल से ही जो भी टाइपिंग करना है बहुत ही आसानी से, बड़ा कुछ जो है फाइल रहेगा या आप लोगों को कुछ भी ऐसा कुछ बनाना रहेगा, बड़ा लिखना रहेगा, तो आप लोग मोबाइल से बना सकते हैं, ठीक है। मोबाइल से ही लिख सकते हैं बहुत ही स्पीड में, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि हमारे कंप्यूटर में उतना हाथ नहीं बैठा रहता है कंप्यूटर के कीबोर्ड में, ठीक है। तो मोबाइल के कीबोर्ड से अगर आप लोग जो है टाइपिंग करते हैं तो बहुत ही स्पीड में और बहुत ही जल्दी जो है टाइपिंग होगा। तो ये भी हम लोगों के लिए एक मुनाफा या फिर फायदे का तो है ना, तो आप लोग इसको यूज़ करिए, ठीक है। और अच्छे से सो थैंक्स ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।